अच्छा था या है प्रश्न है ना? हाँ पूछिए। ये एक बार आपने प्रश्न में कहा था कि चारों जो पीठ हैं उसका क्षेत्र पृथ्वी के अंतिम देश तक था। हाँ तो वहां से लोग आते थे प्रशिक्षण के लिए, ये यहाँ के लोग जाते थे। ठीक है बैठिए, मनुस्मृति में इसका उत्तर है। एतद् देश प्रसूतस्य मर्यादा यह थी मनुस्मृति में, बृहद भारत की बात नहीं कह रहे, बृहद भारत में भी जो भारत का हृदय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सीमा का अंकन किया गया है, विशेषकर ब्रह्मावर्त का। इस क्षेत्र में समुत्पन्न जो अग्रजन्मा ब्राह्मण हैं, सदाचार संयम से संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, उनके पास स्वमसम चरित्रम शिक्षेरन, अन्य क्षेत्र के पूरे भूमंडल के सप्तद्वीपा मेदिनी जिन दिनों थी, आजकल केवल जम्बू द्वीप क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग ही शेष है, आकर अपने अपने चरित्र की शिक्षा लें। इसका मतलब एक पवित्र भूमि की सीमा निर्धारित की गई, उसका अतिक्रमण करके ब्राह्मण विशेषकर द्विजाति में, विशेषकर ब्राह्मण अन्यों पर भी वो उस क्षेत्र में नहीं जाएं। बृहदारण्यक उपनिषद में असुरों के द्वारा आक्रांत उन क्षेत्रों को माना गया है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में तो यहाँ तक कहा, निर्जन वन में भी कदाचित उन क्षेत्रों में जाकर कोई निवास कर लेता है तो भी वायुमंडल से उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है, शंकराचार्य का भाष्य है बृहदारण्यक। उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया, वो यहाँ आकर के शिक्षा लेते थे। कलयुग में विशेष नियम है, प्रायः लोगों की भ्रांति है कि कलयुग में छूट जाते हैं, अन्य युगों में व्यक्ति का जीवन इतना पवित्र होता था कि वो फिसलते नहीं थे, इसलिए कलयुग में कुछ नियम कड़े भी हैं, सब जगह छूट नहीं है, कुछ नियम कड़े भी हैं अन्य युगों की अपेक्षा, ताकि यहाँ पर जल्दी फिसलन की संभावना है। तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, महाभारत और मनुस्मृति आदि का अनुशीलन कीजिए, शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, ब्राह्मणों के संपर्क से, वेदज्ञ सदाचार संपन्न ब्राह्मणों के संपर्क से जो दूर हो गए युद्ध व्यापार आदि के प्रसंग में, इस पवित्र क्षेत्र का, पवित्र भूमि का, पवित्र क्षेत्र का त्याग करके बाहर चले गए, यहाँ से संपर्क टूट गया, आचार और विचार में धीरे धीरे शिथिलता आ गई, वो म्लेच्छक प्राय हो गए। तो मैंने इसलिए कहा था पराशर जी, बहुत अच्छा है, सुनिए, सचमुच में भगवत पाद आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव काल ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व, जो लोग 7वीं-8वीं शताब्दी में मानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गुड़ जिह्विका न्याय से उत्तर है। संस्कृत में कहते हैं गुड़ जिह्विका न्याय, हिंदी में कहते हैं तुम्हारे जिह्वा पर गुड़ शक्कर, घी शक्कर, गुड़ जिह्विका न्याय, तुम्हारी जिह्वा पर अंगूर रखेंगे, गाली तो नहीं है। गुरुग्राम को देखा हमने, स्टेशन लिखा था गुड़गांव, गुड़ गुरुग्राम का नाम हो गया गुड़गांव, गुड़ की मंडी मानो। तो हमने संकेत किया कि शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय विश्व में न मोहम्मद साहब थे न उनके अनुयायी, न ईसा मसीह थे न उनके अनुयायी, और सार्वभौम सम्राट के पद पर उन्होंने सुधन्वा को प्रतिष्ठित किया था, इसलिए पूरा विश्व 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 एक एक शंकराचार्य के शासन काल क्षेत्र में था।
लेकिन जैसे दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वही तो भारत का क्षेत्रफल नहीं है। पूरे विश्व की चार धार्मिक आध्यात्मिक राजधानियां थीं भारत में, चार मठ को लेकर मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब शासन का क्षेत्र केवल भारत ही नहीं था शंकराचार्यों का। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सुधन्वा जी ने मान्य शंकराचार्यों के लिए अधिकार की व्यवस्था की, धार्मिक टैक्स कर हम या हमारी परंपरा के कोई राजा नहीं लेंगे, अपने अपने क्षेत्र के शंकराचार्य धार्मिक टैक्स लेंगे, ताकि मठ मानविंदु की रक्षा के अनुकूल समर्थता प्राप्त कर सके। ज्वलंत एक उदाहरण है, बुरा न मानो होली है, जोशी मठ ज्योतिर्मठ, उन दिनों जिन दिनों यातायात के साधन नहीं के बराबर थे, बाहर से यात्री आते थे राम राम कह के कि जीवित लौट सकता हूँ नहीं भी लौट सकता हूँ, क्षेत्रीय जनता के द्वारा जो श्री बद्रीनाथ जी को समर्पित राशि होती थी उससे उनकी सेवा समर्चा चलती थी। जोशी मठ जो ज्योतिर्मठ उत्तराम नायक का योगक्षम चलता था, टेरी नरेश ने और श्री बद्रीनाथ जी के पुजारी ने गठबंधन कर लिया, तो शंकराचार्य के मठ को चलाने के लिए यहाँ की राशि मत दो, जगत ओ बद्रीनाथ की सेवा से जो बच्चे आपस में बांट लो। परिस्थिति हुई कि धन के अभाव में शंकराचार्य मठ नहीं चला सके, वो चले गए रूट के गुजरात की ओर। 165 वर्ष उनका गद्दी खाली रहे, 165 वर्ष एक दो दिन, उसके बाद श्री ब्रह्मानंद जी महाराज फिर आप लोगों में मालूम। हमने संकेत किया तो शंकराचार्य, मैंने कहा एक बहुत विचित्र बात है, जो कहते हैं शंकराचार्य का प्रादुर्भाव अमुक अमुक, उनके लिए तो बहुत बढ़िया उत्तर है। भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित में भगवत कृपा से मैंने भी 260 पृष्ठों में जीवन चरित लिखा है शंकराचार्य का, जैसा कि उन्होंने बताया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उस पर अनुसंधान चल रहा है, जबकि वो हिंदी में है। भगवान शंकराचार्य के गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी देहत्याग करने वाले थे, देहत्याग के पूर्व उन्होंने अपने योग्य शिष्यों को उपदेश दिया, उनमें एक शंकराचार्य भी थे और भी। उसके बाद भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग के सामने ही समाधिस्थ होकर देहत्याग गोविंद पादाचार्य जी ने किया। वो जो युधिष्ठिर संवत का अंकन है उससे 700 वर्ष बाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव आजकल माना जा रहा है। 5 मिनट भी हमारे पास इतने प्रमाण हैं, एक छोटा भी ग्रंथ हम इस बार गुरु पूर्णिमा पर प्रकाशित करेंगे, तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने जो चार आमनाय पीठों की स्थापना की, योग शिखोपनिषद में जो षट चक्र का वर्णन है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक है, इसी प्रकार से अनाहत है, विशुद्ध चक्र है, अज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है, उनमें चार अंदर के जो क्या हैं चक्र, उनमें एक एक पीठ की स्थापना है। तो जैसे इड़ा पिंगला सुषुम्ना अंदर नाड़ियां हैं और बाहर गंगा यमुना सरस्वती, व्यष्टि और समष्टि में एकत्व है, पंचदशी तयोर व्यष्टि समष्टिता। तो चार जो आमनाय पीठ हमारे शरीर में हैं पहले से ही, उन आमनाय पीठों को पवित्र भारत वर्ष के चार कोनों में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने प्रतिष्ठित किया। पूरा विश्व उस उन चार पीठों की सीमा में था। और सुनकर भी आजकल लोग चौंक जाते हैं, प्रायः शंकराचार्य पद पर जो प्रतिष्ठित हैं उनको भी यह बात गले नहीं उतरती, शंकराचार्य का पद शासकों पर शासन करने का। मैं तो डंके की चोट से कहता हूँ, शासकों पर शासन करने का पद है शंकराचार्य का पद। सुधन्वा ने यहाँ तक लिखा है, जिसको आजकल कहते सौदेबाजी, सौदेबाजी से कोई शंकराचार्य का पद नहीं प्राप्त कर सकता। तो शंकराचार्य के शासन क्षेत्र में पूरा विश्व था और वहाँ के लोग
भारत की सीमा, पवित्र सीमा के बाहर के व्यक्ति यहाँ आ करके अपने अपने चरित्र, धर्म, अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करते थे। एक प्रश्न और।